गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका वेलकम। और जो लोग हमसे यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। अभी आपको एक दूसरा लिंक भी गया होगा, उस पर भी आप आज की ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आज जुड़े हैं, और आज तक मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हार्वेस्ट की है। लगभग 375 ट्रेनिंग से ज्यादा मैंने अभी तक हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है, लेकिन वो हमेशा बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में हुआ है, 5,000 लोगों के बीच में हुआ है। बहुत अभी 15-20 दिन से हम लोगों ने जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की है जूम और थ्रू, ये आप तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है बिकॉज इस लॉकडाउन के भी टाइम पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसके लिए मैं माई लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट, हार्वेस्ट की मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहूंगी, बिकॉज इस टाइम पे भी आपसे कनेक्ट होने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। मैं हमेशा प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस क्यों देती हूँ माय फ्रेंड, क्योंकि आज जो हमारा मेन वेपन है, जो हथियार है आज इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, दैट इज आवर प्रोडक्ट्स। अगर हमारे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपके पास क्या है, आपके पास उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जब किसी के पास जाते हैं तो लोग जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपका उस पर विश्वास देकर आपसे वो चीजें बाय करते हैं। इसीलिए हमारे एक एक प्रोडक्ट को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। प्रोडक्ट के बारे में क्या स्पेशल फीचर्स है हम अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लेते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब मुझे लाइव ऑडियंस के सामने मैं करती हूँ तो 4 घंटे मुझे मिलते हैं बस, और 4 घंटे में ही मुझे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। आज आप देख रहे हैं हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 30-40 मिनट हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिटेल में हम आपके बात करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आज की ट्रेनिंग हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी लेकर आई है। हार्वेस्ट मानता है कि इस बिजनेस में लोगों को लाना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, बिजनेस के बारे में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। इसलिए जो है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, ये हमारा एक एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए अगर बात करें, हार्वेस्ट कहता है जब आप लर्न करते हैं तो ही लाइफ में पैसा आता है। बात करें, आप जितना कंपनी से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर दैट वी हैव अ फेसबुक पेज, इस पेज को आप लाइक करें, कंपनी बहुत सारे नई नई चीजें इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज के थ्रू आपको बताती है। हमारी कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे बात करें एलिमेंट्स, आहार, न्यू स्टार, MI, होम एंड एग्रीकल्चर का हमारा एक ब्रांड। हमारा ये जो एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑफ है, इसमें हमारे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमें वेलनेस देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमें बीमार होने से बचाते हैं, जो हमारे हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं घर में, चाहे वो सोप हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, वो सब नीचे जो रेंज आप देख रहे हैं, आहार, न्यू स्टार, MI हो, उसमें वो आता है। प्लस वी हैव एग्रीकल्चर का रेंज ऑल्सो, जिसको हम इंडिया ग्रो कहते हैं। हमने अभी बहुत दिनों से हमने एक चीज पे बहुत ज्यादा बात की है, वेलनेस पे बात किया है, इम्यूनिटी पे बात किया है। हम सबको पता है वी आर वर्किंग इन अ वेलनेस इंडस्ट्री, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वेलनेस का मतलब क्या होता है? वेलनेस का मतलब होता है आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप फिजिकली फिट भी हो, आपको रात में अच्छी नींद आ रही है, आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, और आपको डॉक्टर के पास ना बहुत कम जाना हो रहा है। आज हम इन सारे फैक्टर में एक चीज के ऊपर स्पेशली बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं गुड स्लीप। और आज की ट्रेनिंग ट्रस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम बहुत सारी नई चीजें भी ऐसे सुनेंगे जो शायद बहुत लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि आज की ट्रेनिंग पहली बार हो रही है। तो बहुत ध्यान से आज की रेम निद्रा के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। अभी हम लास्ट 19 डेज से हम किस पे बात कर रहे हैं? हम इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं। बीमार होने, जो जब आपके बॉडी में कोई चीज अटैक करती है तो आपकी इम्यूनिटी जो है उससे हमें बचाती है, उसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। हमने ऐसे भी प्रोडक्ट्स देखे जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब बॉडी को अंदर से साफ करती है। जैसे हमने डेली डिटॉक्स देखा, हमने मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर देखा, हमने ऐसे भी ऑर्गन्स देखे जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखती है। हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है थायराइड के ऊपर, जो आपके थायराइड को अच्छा रखता है, हार्ट के ऊपर आपके हार्ट को अच्छा रखता है, वेल हार्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद आपके यूरिन के इन्फेक्शन वगैरह या किडनी को अच्छा रखने के लिए भी हैव यूरिफ्लश। तो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स को स्टडी किया है। हमने बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देखे हैं, जिसमें हमारा स्पिरुलिना गोल्ड था, प्रोटीन पाउडर था, हमारा न्यूट्रीलाइफ था, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है, क्योंकि अगर बात करें इस प्रोडक्ट पे, जब मैं सारे ये प्रेजेंटेशंस बना रही थी तो मुझे लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आज आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड से है, उसका भी नाम एलिमेंट्स वेलनेस ही है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है वो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। अगर बात करें
पहले के लोग आयुर्वेदा को फॉलो तो करते थे, लेकिन अगर बात करें तो वो अच्छा खाना भी खाते थे, पॉल्यूशन नहीं था। आज के लोग अगर आयुर्वेदा को फॉलो तो करते हैं, लेकिन साथ में नूडल और पिज्जा भी खाते हैं। मतलब लेटेस्ट लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज के तौर तरीके के हिसाब से हमारी कंपनी एक लेटेस्ट ब्रांड लेकर आई है, एक बहुत अच्छा ब्रांड लेकर आई है जिसको हम सब जानते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद के साथ मिलाकर ये ब्रांड लाया गया है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स वेलनेस। और एलिमेंट्स वेलनेस में हमारे पास बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हर एक चीज पे काम करता है। इसमें ही एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रेम निद्रा। नाम ही इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रेम का मतलब क्या है ये सारी चीजें मैं आज आपको ट्रेनिंग में बताऊंगी। अब इसके पीछे किसका मेहनत है, किसकी मेहनत है इसके पीछे, तो सबसे पहले डॉक्टर डी बी ए नारायण सर के बारे में बात करूं। अगर बात करें, ये हमारे मेन जो साइंटिस्ट है इस प्रोडक्ट के पीछे, जो मेन जो जनक जिनको आप कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स को सारा डिजाइन करते हैं, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स इन आयुर्वेदा एंड फार्मा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क किया है, जैसे इन्होंने डाबर में वर्क किया है, हिंदुस्तान लिवर में एज अ डायरेक्टर हेड की पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, रणबैक्सी जैसी कंपनीज में इन्होंने काम किया है। इज अ रेनाउंड ट्रेनर। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये बहुत सारी गवर्नमेंटल कमिटीज में भी इन्होंने वर्क किया है, जैसे ही वॉज द कमिटी मेंबर ऑफ एपीआई, आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया, उसके कमिटी मेंबर भी ये रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी है, यही एक कारण है माय डियर फ्रेंड, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है। और ये सबसे अच्छी चीज क्या है, पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किसी मेड इन इंडिया ब्रांड को अपने लॉन्चिंग के 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सारी चीजें शो करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका एक 30 सेकंड का एक वीडियो भी है, वो एलिमेंट्स वेलनेस जॉइनिंग अस ऑन स्टेज नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स। लेडीज जेंटलमैन, दिस इवनिंग इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दोज हू डन देयर वेरी बेस्ट इन द healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many, many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. तो ये हमारा ब्रांड है जो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है, और इसी आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है रेम निद्रा। आज रेम निद्रा के बारे में बॉडी डिटेल में जाकर आप समझिएगा, और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे। आज हमारे पास पूरा टाइम है तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान लगा के आज इसको समझना है आपको। सबसे पहले रेम निद्रा का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि आपका दिन एक्टिव हो, आप अपने दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, और आपकी जो रात हो ना वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप रात में अच्छे से सोए। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती, तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर बात करें रेम निद्रा जो है वो एलिमेंट्स वेलनेस का एक ग्रेट इनोवेशन आप कह सकते हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड जो है एलिमेंट्स वेलनेस वो लेकर आया है। ये दो चीजों पे काम करता है, एक जिन ऐसे लोग जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, या ऐसे लोग जिनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, मतलब रात में बहुत टाइम लगता है सोने में, अच्छे से सो नहीं पाते, एक बार उठ गए तो फिर नींद नहीं आती है, ऐसी जो भी स्लीप रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, नींद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बहुत ही नॉवेल प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है। बात करें हम आज बेसिक से बात करेंगे, सबसे पहले स्लीप जरूरी क्यों है, सोना जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज बोली जाती है कि जब आप एक अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है उसको क्लीन होता है, मतलब आपका जो ब्रेन है जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्रेन के वो रिमूव होते हैं। क्योंकि आपको पता है, अभी हम आगे भी इस पर बात करेंगे, जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी बहुत अच्छे से आपके जो दिमाग के टॉक्सिन्स है उसको बॉडी क्लीन कर पाता है, क्योंकि बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है। दूसरी चीज बोली जाती है, जो खिलाड़ी होते हैं एथलीट होते हैं उनको प्रॉपरली बोला जाता है कि आप एक अच्छा साउंड स्लीप ले, आप अच्छे से नींद ले, क्योंकि आपको पता है जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करता है, अगर कोई चीज प्रॉब्लम है तो वो खुद को बॉडी रिपेयर करता है, और ऐसा नहीं कि आप एक घंटे सोए तो बॉडी उस पर खुद को रिपेयर कर देगा। स्लीप के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं,
क्या क्या स्टेजेस है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो जो हम एक पर्टिकुलर स्टेज में जाते हैं तो ही बॉडी अपना रिपेयर सिस्टम जो है उसको ऑन करता है और बॉडी खुद को रिपेयर कर पाता है। एक और प्रॉब्लम देखी गई है, मतलब स्लीप क्यों ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं ना तो आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं चीजों पे, आप ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा बढ़ पाती है। कुछ लोग होते हैं उनका काम में ध्यान नहीं लगता है या उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये आपका एक अच्छा स्लीप जो है वो उसमें हेल्प भी करता है और मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक छोटा बच्चा है वो सो रहा है, आप उसको जबरदस्ती अगर उठा देते तो आप देखते हैं वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोने लगता है। क्यों? अगर स्लीप पूरी नहीं होती ना तो हमारा मूड जो होता है वो फ्रेश नहीं होता है। आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, आप अच्छा फ्रेश महसूस नहीं करते, तो आपकी मूड रेगुलेट करने में भी स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। आपकी नींद और आपका इम्यूनिटी के बीच में एक बहुत डायरेक्ट लिंक बोला जाता है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो ही आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने लगता है। तो स्लीप आप देख सकते हैं बहुत जरूरी है हमारे बहुत सारी चीजों के लिए। अब प्रॉब्लम आती है, अगर आपको अच्छी स्लीप मिल ही नहीं पा रही, मतलब आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, तो बॉडी में क्या होता है, अगर बच्चे हैं जो अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या बच्चों को चीजें याद नहीं रहती हैं, या उनकी अलर्टनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है, आप काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बस बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, अगर आप किसी जॉब में हैं या काम भी कर रहे हैं या घर में भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपका किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को वेट गेन का भी प्रॉब्लम देखा जाता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो ज्यादा खाते नहीं लेकिन वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो स्लीप का एक डायरेक्ट रिलेशन है इससे। अब वेट का स्लीप से क्या रिलेशन है, जब आपको अच्छी नींद नहीं आती ना तो हमारी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन बनते हैं। एक होता है जब वो हार्मोन ज्यादा बनता है तो आपको ज्यादा भूख लगती है, जिसको हम कहते हैं आपका हंगर को बढ़ाने वाला हार्मोन, उसका ग्रिलिन नाम होता है। नाम रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, जब एक हार्मोन बनता है तो आपको ज्यादा भूख लगती है, और एक हार्मोन और हमारी बॉडी में बनता है जो आपकी भूख को सप्रेस करता है, मतलब आप जब वो ज्यादा बनेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपका बहुत ज्यादा स्लीप पूरा नहीं होता, मतलब नींद पूरी नहीं होती, तो भूख लगाने का वाला जो हार्मोन है, जो आपका हंगर हार्मोन है, वो ज्यादा बढ़ता है, और जो भूख सप्रेस करने वाला, जो भूख दबाने वाला हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक और चीज होती है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, हमारी बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने कॉर्टिसोल के बारे में फाइट स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे किया था हम लोगों ने, कि जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बनता है, एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है और बॉडी क्या करता है, फैट को स्टोर करना, फैट को जमा करना, फैट को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, याद रखिए अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप डिप्रेशन भी हो सकता है आपको, क्योंकि दिमाग जब शांत ही नहीं होगा तो आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी ये सब देखा जाता है। और एक बहुत बड़ा रिलेशन ये भी है, अगर जिन लोगों की ज्यादा अच्छी नींद नहीं होती है उनके हार्ट डिजीज होने की भी प्रॉब्लम देखा जाता है। हार्ट हमारा 24/7 काम करता है, तो हार्ट को भी रिपेयर की जरूरत होती है। अब हार्ट को तो हम आराम दे नहीं सकते, वो ना ही आराम करे तो अच्छा है, तो हार्ट को भी रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा उसको स्लीप चाहिए होता है। तो जब आप अच्छी नींद लेते हैं, बॉडी जब खुद को अच्छे से रिपेयर करता है, अगर अच्छी नींद नहीं हो पाती है तो बहुत सारे लोगों में हार्ट डिजीज की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। इसलिए अगर बात करें, आज हम स्लीप को ना थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझेंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज अगर 25-30 हज़ार लोग आज अभी मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड के। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि स्लीप होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हम क्यों सोते हैं, कैसे सोते हैं, वो सारी चीजें आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग के पास यहाँ पे एक पीनल ग्लैंड है। मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम पीनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये हमारे स्लीप पे बहुत इंपॉर्टेंट एक असर करता है। कैसे? आपके बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारी स्लीप के लिए, सोने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
दिन में क्या होता है, जब सनलाइट होती है, उजाला होता है, रोशनी होती है, हमारे जो ये आंखें हैं उससे जब रोशनी अंदर जाती है वो आपके पीनल ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है कि अभी दिन है, मतलब दिन है, उजाला है, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, और जब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आपको नींद नहीं आती है, आप एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन यही जब रात होता है, रात में जब सनलाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है, आंखों की रोशनी के अंदर जाती है, तो आंखों से फिर वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, वो आपके पीनल ग्लैंड को एक सिग्नल देता है कि अभी रोशनी नहीं मिल रही है, अभी सोने का टाइम है। और जैसे आपका पीनल ग्लैंड स्ट्यूमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, आपको अच्छी नींद आती है। अब कहते हैं जो लोग थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं या जो एल्डर पर्सन है आपके घर में, जैसे कोई एल्डर पर्सन है, तो उन लोगों में देखा जाता है कि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, इसीलिए कुछ एज के बाद लोगों को अच्छी नींद नहीं आ पाती है, या आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उस समय भी नींद नहीं आती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मेलाटोनिन जो है वो रात का हार्मोन है, जब आपकी बॉडी में मेलाटोनिन अच्छे से बनेगा तो आपको अच्छी नींद आती है। लेकिन बात करें प्रॉब्लम क्या है स्लीप से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम है उनको सोने में बहुत टाइम लगता है, मतलब बेड पे चले गए लेकिन आधे घंटे एक घंटे उनको नींद ही नहीं आ रही है, तो ये एक बहुत ही, इसको हम लैग फेज कहते हैं। अगर आप बेड पे चले गए और आपको एक डेढ़ घंटे तक नींद नहीं आ रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। या आपकी नींद ना, नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप सो तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में बहुत ज्यादा उठ रहे, चलिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उठ रहे हैं और जैसे कुछ लोगों को आदत होती है रात में वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, वापस जब आते हैं फिर से सोने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है या फिर से वो सो नहीं पाते, तो ये भी प्रॉब्लम देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को गहरी नींद नहीं आ पाती है और वो लंबे समय तक सो नहीं पाते। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए बोला जाता है एक्टिव रहने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें मिनिमम 7 से 8 घंटे की लगातार नींद हमें लेना जरूरी है। और एक सबसे अच्छी चीज क्या है, आपने अगर नोटिस किया होगा हमारे प्रोडक्ट का नाम हमने रेम निद्रा रखा है, REM, ये रेम का एक मतलब है, इसका मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। एक ऐसा स्लीप में, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो फोटो है उसमें दिया हुआ है कि अलग अलग स्टेजेस हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज आता है आपकी नींद में जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इसकी मैं फोटो आपको आगे चलकर दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। इस टाइम पे आपकी, जब आप एकदम गहरी नींद में रहते हैं तो आपकी आंखों का जो आई बॉल होता है, आंखों की जो अंदर की पुतली होती है, वो बहुत तेज घूमती है, और उस टाइम पे ही आप बहुत अच्छी गहरी नींद में होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है अगर आपको अच्छी नींद चाहिए ना, तो आप जितने घंटे भी सो रहे उसका 30% ये रेम के स्टेज में आप होने चाहिए। उस टाइम पे आपको रेम के स्टेज में जब आप अच्छे से होते हैं, 30% होते हैं, तो आप एक अच्छी स्लीप ले पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब हमारे प्रोडक्ट काम कैसे करता है, ये पहला ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको हम बीडलेट्स की फॉर्म में लेकर आए। ये बीडलेट्स की फॉर्म में लाने का क्या लॉजिक था वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया है जिसमें 3 सुपर इंग्रेडिएंट्स डाले गए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कॉम्बिनेशन, आपको पता है हमारी कंपनी का हर एक जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत यूनिक होता है। इसमें हमने 3 चीजें डाली हैं, आपको सारा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तो आप नाम रटने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा होता क्या है। हमने सबसे पहले इसमें ट्रिप्टोफैन डाला है, L-ट्रिप्टोफैन डाला है जो 500 mg है। इसमें हम थियानाइन डाला है जो 200 mg है, वेलरिन डाला है जो 50 mg हमने डाला है। ये जो आप ट्रिप्टोफैन एंड थियानाइन देख रहे हैं ये एक अमाइनो एसिड होता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्रोटीन पाउडर के उसमें बताया था हमारी बॉडी में 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ बॉडी बना नहीं पाता, आपको सप्लीमेंट में लेना पड़ता है या खाने से लेना पड़ता है, तो ये 2 अमाइनो एसिड उसमें देखे जाते हैं। और एक जो वेलरिन है ये एक एक्चुअली एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो बहुत सालों से इंडिया में भी उग रहा है और बहुत सालों से उसको यूज किया जा रहा है। क्या तीनों में रिलेशन है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन किस में पाया जाता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स में पाया जाता है और सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे पालक हो गया, स्पिनच जो होता है, या कैबेज जो होता है, पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं, उसमें पाया जाता है, और दूध में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए अगर आपको याद होगा हमेशा से, आज से नहीं, हजारों सालों से बोला जाता है रात में सोने के पहले आप दूध पियो,
दूध पीना क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में कितना है? 500 mg। मतलब 500 mg अगर आप दूध से ट्रिप्टोफैन लेने जाएंगे, कम से कम 2.5 से 3 ग्लास आपको दूध पीना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए 2.5 से 3 ग्लास दूध पीना। तो अगर बात करें, ये जब नहीं हो पाता है तो हमें नींद अच्छी नहीं आ पाती है। और ट्रिप्टोफैन की एक खासियत क्या है, जो हमने इसमें 500 mg डाला है, बहुत सारे रिसर्च शो करते हैं कि जो 500 mg ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में जाता है, तो याद रखिएगा, ये फोटो से आप समझिए, आपके लिए आसान होगा। ये जो ट्रिप्टोफैन हमने लिया, ये ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है। तब ये सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। तो हमने ये जो 500 mg ट्रिप्टोफैन इसमें डाला है, ये इतनी मात्रा में मेलाटोनिन बनाता है जो आपको एक अच्छी स्लीप लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और ये आपके रेम को इनहांस करता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, जब हमारे स्लीप में, नींद में एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी आंखों में ये बहुत ज्यादा, हमारी आंखों की जो बॉल होती है वो बहुत ज्यादा घूमती है, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और अगर ये अच्छा होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। आगे बात करें, और जब आपकी बॉडी में मेलाटोनिन अच्छे से बनेगा तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी, और आप बहुत आराम से बहुत लंबे समय तक आप सो सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारी रीसेंट स्टडीज को देखते हुए ही हमने इसमें 500 mg हमने ट्रिप्टोफैन डाला है। तो ये हमारा पहला कंपाउंड है ट्रिप्टोफैन, जो दूध में मिलता है। दूसरी चीज जो हमने इसमें डाली है थियानाइन, ये भी हमने 200 mg इसमें डाला है। बात करें थियानाइन की, तो थियानाइन किससे मिलता है? ये ग्रीन टी, जो ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं उससे पाया जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ग्रीन टी पीते हैं। ज्यादा लोग ब्लैक टी पीते हैं और उसके साथ उसमें दूध भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में थियानाइन उनकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद नहीं आ पाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे इस प्रोडक्ट में 200 mg थियानाइन है। बहुत सारे लेटेस्ट स्टडीज कहते हैं कि आपको मिनिमम 70 mg से 200 mg थियानाइन आपको रोज लेना है, लेकिन उतना हमारे जब खाने से नहीं मिल पाता है तो हमें अच्छी नींद नहीं आती है। और अगर थियानाइन की बात करें, तो थियानाइन ऐसा है जो आपके दिमाग को रिलैक्स करता है। आपका जब दिमाग रिलैक्स होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, और ये आपके लैग फेज को भी कम करता है। लैग फेज का मतलब क्या है? आप बेड पे गए और कितने देर में आपको नींद आ गई, ये जो टाइम है इसको हम लैग फेज कहते हैं। इसको ना शॉर्ट कर देता है, कम कर देता है। जब ये कम हो जाएगा तो आपको जल्दी नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये अमाइनो एसिड है, इसके बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं कि ये क्या करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके मूड को अच्छा रखता है, और जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उसको कम करने में मदद करता है। ट्रिप्टोफैन के साथ एक ऐसा एक हर्ब भी डाला गया जिसको हम वेलरिन कहते हैं, वो उसके साथ सिनर्जिस्टिक तरीके से काम करता है, उसके साथ उसको और हेल्प करता है काम करने में। ये होता क्या है, एक तरीके का रूट्स आप समझ लीजिए, मतलब एक पौधा होता है, जैसा आप फ्लावर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके रूट्स को यूज किया जाता है। ये वेलरिन का जो रूट्स होता है वो उसमें यूज किया जाता है, और ये ट्रिप्टोफैन के साथ सिनर्जिस्टिक तरीके से ये काम करता है। जैसे बात करें, ये आपके जो सोने के टाइम है उसको कम कर देता है, तो आपको ज्यादा अच्छी नींद आती है। दूसरी चीज अगर बात करें, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है, मतलब आप गहरी नींद में लेते हैं, आप बार बार उठते नहीं है इसको लेने के बाद। आपकी एंजाइटी, जो बेचैनी होता है, उसको भी काम करता है, क्योंकि सिंपल सा एक फैक्ट है, अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आपका दिमाग ही मतलब काम नहीं है, आप बहुत बेचैन है अंदर से, एंजाइटी है, तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए हमने ट्रिप्टोफैन के साथ ये वेलरिन भी हमने उसमें ऐड किया है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हमने इसमें इतने mg में, जैसे हमने इसमें 50 mg वेलरिन हमने इसमें ऐड किया, और बहुत सारे ऐसे पब्लिश्ड डेटा है जो शो करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में 50 mg वेलरिन जाता है तो आपको बहुत अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। अब बात करें, इस प्रोडक्ट को हमने बीडलेट्स के फॉर्म में क्यों डाला? हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विड है, कैप्सूल्स हैं, कैपलेट हैं, हर एक फॉर्म में है। हमने इसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से लेकर आए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है? जो आपका ये ट्रिप्टोफैन और थियानाइन जो आपने देखा, ये दोनों एक ऐसे अमाइनो एसिड है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो इसका मतलब क्या है,
आप इसको लिक्विड फॉर्म में हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि कैप्सूल्स में लाते तो इतने एमजी डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता और हर चीज कैप्सूल्स में है, तो हमारी कंपनी ने एक यूनिक तरीका निकाला जिसमें हमने इसको अलग अलग कलर के बीडलेट्स में डाला है। और इसकी खासियत क्या है, इस बॉक्स में आपको तीन कलर दिखेंगे, तीन तरीके के छोटे छोटे दाने दिखेंगे। एक कलर जो है जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन को कोट किया है, एक जो छोटे छोटे बीडलेट्स है उसमें हमने थियानाइन को कोट किया है, और जो हल्के ब्राउनिश कलर के हैं उसको हमने आपको जो वेलरिन है वो उससे कोट किया गया है। और उसको इस तरीके से ब्लेंड किया गया है कि अगर आप इसका एक स्पून, और वो स्पून इसमें दिया गया है, अगर आप एक स्पून उसका लेते हैं तो 2.15 आपको ग्राम, इसमें आप एक बीडलेट्स जो आप लेते हैं पूरा एक स्पून, तो आपको 2.15 आपको ग्राम वो बीडलेट्स आपकी बॉडी में जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम अपने डोजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक्यूरेट क्वांटिटी ले सकते हैं, और आपको रात में अच्छी नींद आए। और प्रॉपर याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक चम्मच इसका लेते हैं ना स्पून, तो आपको 500 mg ही ट्रिप्टोफैन जाता है, 200 mg थियानाइन और 50 mg आपको इसमें वेलरिन जाता है। तो इसीलिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे ये बीडलेट्स का फॉर्म हम लेकर आए हैं। बात करें अब ये रैम क्या होता है, अब इस रैम को समझिएगा। आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये फोटो क्या दिखा रहा है कि आंखों की जो आईबॉल है, आईलिड है, वो बहुत ज्यादा शेक कर रही है। और ये बगल वाली फोटो है ना, इसमें एक्चुअल में आपकी आईलिड ऐसी होती है। जब आप सोते हैं, रैम को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रैम के अलग अलग स्टेजेस है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। रैपिड आई मूवमेंट, जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचते हैं, और ये रेम का टाइम कब आता है, आप जब सोने चले गए, आप नींद में हैं, सोने के 90 मिनट के बाद, 90 मिनट के बाद हमारा जो बॉडी है इस रेम के टाइम पे जाता है, रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे जाता है। और इस टाइम आपकी जो आंख की पुतलियां हैं, जो आईबॉल है, वो इतनी तेज घूमती है, कहती है हम जब जगे रहते हैं उस टाइम पे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जिस तरीके से रहती है ना, उस टाइम ये रेम की एक्टिविटी उसी टाइम, मतलब बॉडी उतना ही एक्टिव रहता है जितना आप नॉर्मल में एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है, आपका अगर माइंड इतना एक्टिव है, आपके जो हार्ट के पल्स, आपके जो बॉडी के पल्स होते हैं ना, वो भी बढ़ जाते हैं, आपकी हार्ट बीट भी तेज होता है। और यही टाइम होता है जब आप सपने देखते हैं, जब आप ड्रीम्स लेते हैं। और आपने कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा, वो नींद में ना लात मारते हैं या नींद में बड़बड़ाते हैं, इसके पीछे का कारण यही है। ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर होता है। रेम के टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है वो मोशनलेस होनी चाहिए, आपकी बॉडी लिटरली पैरालाइज्ड हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा सपने देख रहे होते हैं, हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है। तो अगर हमारी बॉडी मोशनलेस नहीं होगी तो आप वो सारी चीजों को एक्ट करने लगोगे, हाथ पैर मारने लगोगे, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है एक डिसऑर्डर माना जाता है। इसीलिए बात करें, रेम जो है वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी में 30% आप रैम के टाइम पे होने चाहिए। तो ये हमारा रैम है। अलग अलग स्लीप मैंने आपको बताया, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पहले आप सोते हैं, उसके बाद आप हल्की स्लीप लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी गहरी स्लीप में जाते हैं, और इस टाइम पे बॉडी खुद को रिपेयर करता है। और जब आप रैम में जाते हैं तो बॉडी, आपको पता है रैम की क्या बेनिफिट्स है, रैम में आपका बॉडी सपने बनाता है, रैम में आपकी बॉडी आपकी याददाश्त को अच्छा करता है, रैम में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, इसलिए रैम निद्रा हमारे इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है, और एक यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। इसके डोजेस क्या होंगे, सबसे पहले आपको एक चम्मच, और चम्मच उसमें प्रोवाइड किया गया, आपको एक ही चम्मच लेना है। और अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो आपको 7 बजे इसका एक चम्मच लेना है, और उस या तो आपके सोने से 2 घंटे पहले लेना है, आपको तुरंत नहीं लेना है, और सोने के 2 घंटे पहले लेना है। और कोशिश करिएगा आप इसको जब मुंह में लेते हैं तो पानी के साथ आपको अंदर ले लेना है, आपको उसके जो बीडलेट्स उसको च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है, चबा के नहीं खाना है उसको, बस आपको सॉलो करना है, अंदर ले लेना है। और आपको डिनर के पहले लेना है, याद रखिएगा इस प्रोडक्ट को आपको डिनर के पहले लेना है, और 15 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, 15 साल के ऊपर के अडल्ट जो बच्चे हैं और लोग हैं वो ले सकते हैं। छोटे बच्चों को प्लीज ये प्रोडक्ट आपको नहीं देना है, इसलिए आपका आपको आपने अगर नोटिस किया होगा इसके डब्बे को ऐसा डिजाइन किया गया, इसके लिड को, कवर को ऐसा डिजाइन किया गया कि बच्चे उसको इजिली खोल नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को एंटी एंजाइटी की दवाइयां चल रही हैं, या अगर बात करें किसी को ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहे हैं या सेडेटिव्स ले रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना है उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके। और ऐसा नहीं कि एक दिन लिया और अगले दिन ही आपको अब नहीं नींद नहीं आ रही है या काम नहीं कर रहा है, आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम देना है। 2 से 3 दिन में आपका ये बॉडी एडजस्ट होने लगेगा और 2 से 3 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चम्मच को मुंह में घुसाना नहीं है, उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, और हर एक
बाद यूज के बाद उस डब्बे को अच्छे से आपको बंद कर देना है। कुछ एडवाइजरी है नारायणा सर के साइड से, वो क्या है? सबसे पहले इसका कोई एडिक्शन नहीं होगा आपको कि इसको नहीं लिया, जैसे मार्केट में जिनको नींद नहीं आती उनको स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिसकी हमें आदत हो जाती है। जब तक वो मेडिसिन नहीं लेते हमें नींद नहीं आती है, तो इसका कोई आदत नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं जो हमारे खान पान से ही निकाली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि एक टाइम आ गया है अब मुझे अच्छी नींद आ रही है, तो आप चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोडक्ट नहीं है, जो भी गर्भवती लेडीज हैं उनको ये प्रोडक्ट हमें नहीं देना है। इसके बीडलेट्स में कोई शुगर यूज नहीं किया गया है, तो इट इज सूटेबल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। एक चम्मच आपको भर के लेना है लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। ये नहीं कि नींद नहीं आ रही तो चलो दो चार चम्मच खा लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना। एक ही चम्मच आपको लेना है और दिन के टाइम पे नहीं लेना है। याद रखिएगा रात में सोने के 2 घंटे पहले आपको लेना है। और जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट नहीं बना है, और बीडलेट्स को चबाना नहीं है। अब लास्ट में एक समरी करूंगी। हमारी जो स्लीप है वो हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रखती है, इसीलिए बोला जाता है जो लोग अच्छी स्लीप लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो बीमारियों से अच्छे से लड़ पाते हैं। इसमें 3 एक्टिव हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है, जो पहली बार किसी कंपनी ने इंडिया में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाया है। आपको पता है हमारी कंपनी हर एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाती है। एक इंग्रेडिएंट हमने ग्रीन टी से निकाला है, एक इंग्रेडिएंट हमने दूध से निकाला, और एक एक तरीके के प्लांट्स का रूट्स जड़ हमने यूज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारी स्टडीज को देखते हुए राइट अमाउंट हमने आइडेंटिफाई करके कि इतना अगर हम ये चीज डालेंगे तो इतनी मात्रा में मेलाटोनिन बनना चाहिए, दिमाग को रिलैक्स होना चाहिए और अच्छी नींद लाती है। पहली बार बीडलेट्स के फॉर्म में है, तो एक इनोवेटिव तरीके से हम इसको लेके आए हैं। कोई दवा नहीं है, इट्स नॉट अ सेडेटिव। तो अगर बात करें तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको नींद आएगी, आपको आदत लग जाएगी, ऐसा कुछ। तो आपका नेचुरल तरीके से बॉडी के अकॉर्डिंगली ये काम करता है, दिमाग को शांत करता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन को नॉर्मल करता है, जितना आपको स्लीप के लिए जरूरत है उतना ही करता है, और आपकी बॉडी क्लॉक को ना ये सेट कर देता है। अब कुछ टिप्स है, ये टिप्स आप तक पहुंचाने के लिए बोला गया है क्योंकि अगर आप इसको भी फॉलो करते और प्रोडक्ट भी लेते तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पहला क्या है, रात में एटलीस्ट सोने के 2 घंटे पहले ना मोबाइल फोन यूज ना करें, कोई भी लैपटॉप या ऐसी चीज यूज ना करें, क्योंकि आपको पता है जो मोबाइल फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना वो हमारी बॉडी में जो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है उसको सप्रेस कर देती है, दबा देती है, इसलिए हमें जल्दी नींद नहीं आती। और कुछ लोगों की आदत होती है रात में रात भर मोबाइल को ऑन रखते हैं या मोबाइल फोन लेकर सोते हैं, तो जो ब्लू लाइट होती है वो इफेक्ट करती है, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप रात में सोते हैं ना तो अपने रूम का कर्टेन जो है उसको खोल कर सोए। उससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे ना तो जो नेचुरल सनलाइट आपकी जो बॉडी पे पड़ती है तो आपको आप मतलब नेचुरली आप उठते हैं और आप फ्रेश महसूस करते हैं उठने के बाद। और बोला जाता है जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी अच्छी होती है, उनका एनर्जी लेवल भी हमेशा हाई रहता है, और किसी चीज पे वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो सोने के बहुत बेनिफिट्स है। चौथा पांचवा पॉइंट एक ये भी है, अगर रात में अवॉइड करिए, रात में ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए, रात में चाय कॉफी मत पीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, आपके बॉडी में मेलाटोनिन अच्छे से नहीं बन पाता है। और अगर आप एक हैबिट डाल सकते हैं रात में सोने के टाइम पे 5 मिनट थोड़ा सा सेल्फ मेडिटेशन, या 5 मिनट थोड़ा आंख बंद करके अच्छी चीजें सोचिए दिन भर के लिए, थैंक्स बोलिए कुछ अच्छा हुआ है, ये सारी चीजें अगर हमने डे टू डे लाइफ में अगर हम डालेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एवरेज स्लीप, हर एक इंसान को ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, हर एक एज के हिसाब से हमारी सोने की रिक्वायरमेंट भी फिक्स हो जाती है। एक छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो 10, 12, 15, 20 घंटे सोता है। क्यों? जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन डेवलप होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा सोने को बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी सोने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है, लेकिन मिनिमम 6 से 7-8 घंटे अगर आप डेली अच्छी नींद लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज, आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करें इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, वो क्या है, रेम निद्रा आपकी क्वांटिटी, आप जितने देर सो रहे उसको अच्छा करता है, और आप गहरी नींद सोए उसमें हेल्प करता है, गुड स्लीप को इनहांस करता है। गुड स्लीप का मतलब क्या हुआ, बेड पे गए और थोड़ी देर में आपको नींद आ गई, आप सुबह तक आराम से सो रहे, आप बीच में आपको उठने की प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बीच में उठ भी रहे हैं और वापस बेड पे जा रहे हैं तो तुरंत नींद आ जा रही है।
सुबह उठ रहे हैं फ्रेश महसूस कर रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका मूड अच्छा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपको गुड स्लीप आप ले रहे हैं। और दोपहर में आप मतलब नैप करने का मन नहीं कर रहा या सोने का मन नहीं कर रहा है, दोपहर में आपको नींद नहीं आ रही, ये सारी चीजें बताती हैं कि आप गुड स्लीप ले रहे हैं। ये हमारा रेम निद्रा प्रोडक्ट था, पहली बार इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसीलिए रेम निद्रा कहता है कि खूब मेहनत करिए और अच्छी नींद लीजिए, दिन में एक्टिव रहिए और रात में अच्छे से सोइए। आप रात में अच्छे से सोते हैं, आपका दिमाग खुश रहता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं और आप बहुत सक्सेसफुल आपका दिन जाता है। और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है, नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, पहली बार किसी कंपनी ने इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाया, हमारे सारे प्रोडक्ट यूनिक है। दूसरी चीज, इंटरनेशनल लुक की पैकेजिंग की गई है, आप हमारे एक एक प्रोडक्ट को देखिए, पैकेजिंग देखकर कोई नहीं कह सकता ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इंटरनेशनल लुक की पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट्स की गई है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने 19 डेज में कवर किए, हमने 95 से स्टार्ट किया था आज से 19 दिन पहले, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। आज हमने रेम निद्रा के बारे में भी स्टडी किया। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जिस भी चैनल पे आप आज वीडियो देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंपनी जब भी कोई ट्रेनिंग करेगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब मार्केट में आपको तीन तरीके के कस्टमर मिलेंगे, ए बी एंड सी। मार्केट में आपको यही तीन कस्टमर मिलेंगे, ए मतलब अच्छे है, हेल्दी है, ऐसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़े अलर्ट है कि हाँ मुझे आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वो दूसरा कैटेगरी, बीमार हो चुके हैं या हल्की फुल्की सिम्टम दिख रही है। और तीसरा कैटेगरी ऐसे लोग जो क्रिटिकल है, लास्ट स्टेज में। हमारा मार्केट ए एंड बी का है, प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपको सी पे नहीं जाना है, पेशेंट को नहीं ढूंढना है, हमारा मार्केट बस ए और बी का है। इंसोम्निया के पेशेंट्स को मतलब बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स, उन सब केसेस में नहीं जाना है। हाँ उसमें आप दे सकते हैं, थोड़ा हेल्प मिलेगा, बट ये कभी क्लेम नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट लो और आपका इंसोम्निया, क्योंकि इंसोम्निया एक सीरियस डिजीज है, हमें उसमें नहीं जाना है, बट आप उनको दे सकते हैं, इट माइट हेल्प, वो हेल्प कर सकता है। ए एंड बी पे ही हमें ध्यान देना है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ई कॉमर्स साइट पे हैं, आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं खरीदना है, कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं लेती है, वो एक्सपायर्ड हो सकते हैं या फेक प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो कंपनी उसकी गारंटी नहीं लेती है। आपको जब भी प्रोडक्ट बाय करना है इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है। जिसने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, वो आपको सही जगह बताएंगे जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते। और अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे, तो जिनको भी रेम निद्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ब्लेंडिंग बीडलेट्स को कैसे यूज करने के लिए, ये अपना कंपनी का एक प्रोसेस है, वो कंपनी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ये सब चाहे तो फाइट स्ट्रेस के साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी पर्सन भी बिल्कुल ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब लेंगे तो आप थोड़ी दिन के बाद आपका बॉडी अडाप्ट हो जाता है, तो अच्छे से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन लेना करना स्टार्ट करता है, तो आप चाहे तो उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर किसी को लिवर डिसऑर्डर है, तो लिवर डिसऑर्डर में जो थायमिन हमने इसमें वेलेरिन डाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना, अगर किसी को लिवर डिसऑर्डर है तो आप अपना ये प्रोडक्ट दीजिए और एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद आप एक बार लिवर प्रोफाइल टेस्ट करवा लीजिए। अगर लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं है, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइट स्ट्रेस से कैसे डिफरेंट है, फाइट स्ट्रेस हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज करता है, स्ट्रेस से लड़ने की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, ये आपको अच्छी नींद लाने में देता है। ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां से भी आप ले सकते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर कोई मेडिकेशन पे है, स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव जैसी कोई भी मेडिसिन ले रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको लेना है। प्रेग्नेंट लेडी को हम इसलिए नहीं आप दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है जिसमें ऐसा प्रूव किया गया हो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ है या कुछ भी ऐसा, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पूरा सेफर साइड वी आर सेइंग कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। कितने दिन लेना है, आप 2-3 महीने तक लगातार ले सकते हैं, तो उसके बाद आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर आपकी बॉडी को लगता है कि अब आपको प्रॉपर नींद आ रही है, तो आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। हेमोपैथ के साथ भी बिल्कुल ले सकते हैं, बट जब आप किसी एलोपैथ या हेमोपैथ के साथ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप रखिए, 1 घंटे का उसके साथ आप ले सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट के लिए भी सूटेबल है, आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। थायराइड के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके साथ भी दे सकते हैं। इसका कोई चांस नहीं है एडिक्शन में, तो ऐसा एडिक्शन में कोई चांस नहीं है, आप इसको लेते हैं तो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको एडिक्टेड बनाएगी। और पानी के साथ ही लेना है, 1 चम्मच आपको लेना है और आप उसको लेकर पानी के साथ उसको अंदर आप ले लीजिए, उसको चबाना नहीं है, उसके बीडलेट्स को चबाना नहीं है।
बीपी पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इसमें आयुष मार्ग इसलिए नहीं है बिकॉज इट्स अ फूड सप्लीमेंट, ये कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, इसलिए इसमें आयुष मार्ग नहीं है। 15 साल के ऊपर के लोगों को देना है, छोटे लोगों को नहीं देना है। कोई लाइट स्लीपर है जिसको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, आप उनमें दे सकते हैं। ओके, फिर आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे नई ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more business and product videos, subscribe the channel now.